भारत में कई ऐसी जगह है जो किसी न किसी बात के लिए काफी मशहूर है। ऐसी एक जगह देश की राजधानी मुंबई में है। इस जगह का नाम है चर्च गेट। दरअसल यह जगह अपने नाम के लिए चर्चा में रहती है। इस जगह का नाम सुनकर लोगों को लगता है कि यह कोई चर्च होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यह कोई चर्च नहीं है। मजे की बात यह है कि पहले भी यह कोई चर्च नहीं हुआ करता था। इसके बाद भी इस इलाके का नाम चर्च गेट पड़ गया। यहाँ के रेलवे स्टेशन का भी नाम चर्च गेट स्टेशन है। आज हम आपको मुंबई के इसी चर्च गेट इलाके की कहानी बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्च गेट इलाके के नाम को लेकर अक्सर लोग सवाल पूछते रहते हैं। आपको बता दें कि इस इलाके का संबंध इतिहास से है। कोरा वेबसाइट पर विजेंद्र तिवारी नाम की यूजर ने बताया कि इस इलाके का इतिहास ब्रिटिश हुकूमत से चला आ रहा है। दरअसल 1862 में सर बैटल फेरर बॉम्बे के गवर्नर बने। इन्होंने इस शहर को मिनी लंदन बनाने की पहल की। इसके लिए फेरर ने ब्रिटिश कारीगरी पर आधारित कई इमारतें और चर्च बनवाए। यही इलाका आज कोलाबा और चर्च गेट है। दरअसल उस वक्त इस पूरे इलाके को तीन गेटों ने घेर रखा था। ये गेट अपोलो गेट, बाजार गेट और चर्च गेट थे। चर्च गेट का रास्ता सीधे सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च की तरफ जाता था, इसलिए उस गेट का नाम चर्च गेट पड़ा था। साल 1860 में इस गेट को तोड़ दिया गया। गेट न होते हुए भी इस इलाका चर्च गेट के नाम से जाना जाने लगा। कोलबा स्टेशन भी बंद हो गया। इसके बाद 1870 में एक नया स्टेशन बनवाया गया, जिसका नाम चर्च गेट रखा गया। ये स्टेशन आज भी यहाँ मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मशहूर गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए जाना चाहते हैं, तो भी चर्च गेट से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी। ये बस कुछ ही देर में आपको गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुँचा सकती है। ऐसी और वीडियोज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।